जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब कभी आप किसी जर्नी में होंगे या अपनी ट्रेन का वेट करते समय आप लोगों ने इस सुंदर से लोकोमोटिव को तो देखा ही होगा, जो कि येलो कलर का दिखता है। उसमें कहीं कहीं ग्रीन बैंड आपको देखने को मिलेगी। बड़े बड़े स्टेशनों में तो पक्का ये लोकोमोटिव आपको देखने को मिलेगा, और यही लोकोमोटिव आपकी ट्रेन को प्लेटफॉर्म तक लेके आएगा। पर आप लोग भी मेरी तरह ये सोचते होंगे कि ये लोकोमोटिव हमें आगे की यात्रा क्यों नहीं करवा रहा है, और अलग से दूसरा लोकोमोटिव आके ट्रेन को बाकी की जर्नी के लिए क्यों लेके जाता है। इसका नाम ही इसकी पहचान है दोस्तों। ये है हमारा WDS-6 लोकोमोटिव। W का मतलब होता है वाइड गॉज, D का मतलब होता है डीजल लोकोमोटिव, और S का मतलब है शंटर। ये लोकोमोटिव शंटिंग ड्यूटीज के लिए काम आता है। शंटर लोकोमोटिव का काम ही यही होता है कि जो कोचेज होते हैं, ट्रेन के रेक्स होते हैं, उनको उनकी यात्रा से पहले प्लेटफार्म तक पहुंचाने का, या कभी कोचेस को अरेंज करना है, या किसी भी सामान को जो कि ट्रैक पर है और जिसे ट्रैक मूवमेंट की ज़रूरत है, उसे ट्रांसफ़र करने का जो काम है, वो हमारा शंटर लोकोमोटिव ही हमेशा से करता चला आ रहा है। शंटर लोकोमोटिव की हिस्ट्री के बारे में तो हम फिर कभी बात करेंगे, पर आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि शंटर लोकोमोटिव ट्रेन को बाकी की जर्नी के लिए क्यों नहीं लेके जाता है। जैसा कि इस लोकोमोटिव का नाम ही दर्शाता है कि ये शंटिंग के लिए यूज़ होने वाला है, ऐसे में ट्रेन को पुल करने से पहले स्टार्टिंग टॉर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए लोकोमोटिव बनाया गया है। ये ट्रेन को शुरुआती ज़्यादा शक्ति से खींच सकता है। इसे केवल शंटिंग ड्यूटी में यूज़ किया जाएगा, इसलिए इस लोकोमोटिव की स्पीड को 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इससे पहले कि हम ये जानें कि ज़्यादातर डीजल लोकोमोटिव को ही शंटिंग ड्यूटी में क्यों यूज़ किया जाता है, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है नोस्ता प्रो, जिसे खेल करके आप खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। आप अगर नीचे दिए गए लिंक से इसे आपको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते ही आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। इस गेम की सबसे खास बात यह है कि आपको इसे खेलने के लिए केवल प्रेडिक्शन की ज़रूरत है। ये एक स्पोर्ट्स ऐप है, इसमें आपको चल रहे मैच के बारे में चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है। मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच चल रहा है तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि इंडिया जीतेगी या दूसरी कंट्री, धोनी ज़्यादा स्कोर करेंगे कि कोहली ज़्यादा स्कोर करेंगे। टोटल 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लाइफलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो ये आप तेलुगु में भी अवेलेबल है। आप इस ऐप से पैसे कमाइए और आप उन पैसों को अपने पेटीएम और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात करते हैं कि ज़्यादातर हमारे डीजल लोकोमोटिव को ही शंटर्स के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पोल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती है, लूप लाइन होती है, यार्ड की ओर जाने वाली लाइन होती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा लोकोमोटिव जो बिना इलेक्ट्रिक सप्लाई के काम कर सके, उस लोकोमोटिव का यूज़ किया जाए। और जो हमारे शंटर लोकोमोटिव्स हैं, इनकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आर में रिस्ट्रिक्ट की गई है, इसलिए इन्हें लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ नहीं भेजा जाता है। और जो हमारे मेन लाइन के पैसेंजर लोकोमोटिव्स होते हैं, जैसे WAP-7, WAP-5 या WDM-3A या 3 लोकोमोटिव, इनको भी हालांकि शंटिंग ड्यूटी में यूज़ किया जा सकता है, पर इनके महत्व को देखते हुए इन्हें मेन लाइन की ड्यूटी में रखा जाता है। हमारा WDS शंटर भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। अगर ये नहीं होता तो ट्रेनों के अराइवल और डिपार्चर में डिले हो सकता था, क्योंकि ये लोकोमोटिव शंटिंग के लिए डेडिकेटेड है और इस ड्यूटी को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप लोग को मज़ा आया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम ऐसे फिर मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग कोई बात बताना चाहते हैं इस लोकोमोटिव के बारे में, या आपके पास और कोई जानकारी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोग के लिए उन वीडियोज़ को लेकर के ज़रूर आऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।